हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर रिव्यू। टुडे इट्स हाउस ऑफ कार्ड्स बाय सुधा मूर्ति जी। आई एम अ फैन ऑफ सुधा मूर्ति जी, सो आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश माय रिव्यूज विद सुधा मूर्ति जी, बिकॉज द वे शी टॉक्स, द वे शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग इज समथिंग विच आई कैन रिलेट टू। सो आई थिंक मेनी रीडर्स कैन रिलेट टू, एंड ऑल्सो वर्ड्स आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। So I feel like starting with Sudha Murthy's books is a good review, I guess. So today's House of Cards. House of Cards is a book by Sudha Murthy ji in which she has described a woman, a mother, child, daughter, wife, who has been successful in her character. ये जो book है इनमें जो Sudha Murthy, उन्होंने एक character है Mrudula. Her name is Mrudula. शी इज़ द लीड कैरेक्टर। वो एक लीड कैरेक्टर है और वो एक एंथुजियास्टिक पर्सन है हु ऑलवेज केयर्स फॉर अदर्स मोर देन हरसेल्फ। हमेशा दूसरों के लिए करती है। वो एक टिपिकल वूमन है, इंडियन वूमन बोल सकते हैं, जो एक माँ है, एक बच्ची थी, एक डॉटर, एक वाइफ, मतलब कि टिपिकल एक लड़की जो हर चीज़ करना चाहती है दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, खुद के बारे में इतना नहीं सोचती। सो हमारी जो लीड है, द लीड मृदुला, शी इज़ जस्ट लाइक दैट selfless person basically. She puts others' needs before her own. Other character is of Sanjay, who is a young, talented doctor who is focused on his work and he believes in his ethics. अब संजय ऐसे character है जो कि बहुत ही talented है भाई। अब doctor है तो talented होना ही चाहिए। अब वो अपने work में भी काफ़ी focused है एंड ही इज़ लाइक अ टिपिकल डॉक्टर जो अपने ethics को करते हैं, एथिक्स से आगे जाते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते हैं, जो राइट है वही करते हैं, किसी से रिश्वत नहीं खाएंगे, किसी का पैसा नहीं लूटेंगे, कुछ गलत चीज़ें नहीं करेंगे। टिपिकल डॉक्टर जैसा होना चाहिए, आइडियल डॉक्टर जैसा होना चाहिए, वैसे हमारे संजय है। ऑल्सो ये जो संजय है ये मृदुला के हस्बैंड है। संजय टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचर हस्बैंड ऑफ मृदुला। फ्यूचर हाँ, मतलब उसके बीच में थोड़ी सी स्टोरी है, उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये जो स्टोरी है ये मूव्स अराउंड, दिस मूव्स अराउंड यंग संजय इन मृदुलाज लाइफ। ये जो स्टोरी है, संजय जो यंग संजय जो है, जो अभी कुछ अचीव करने के है, और जो मृदुला है जो अभी माँ बनने की है, बीवी बनने की है, उनकी लाइफ के अराउंड है कि कैसे ये दोनों अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये उनकी स्टोरी है, संजय और मृदुला की। इट्स द स्टोरी ऑफ टू, संजय एंड मृदुला, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, और अ फ्यूचर हस्बैंड एंड अ वाइफ। दिस टू मेट इन अ विलेज वेडिंग, फॉल्स इन लव विद इन अ शॉर्ट स्पैन। टिपिकल स्टोरी है बिल्कुल। एक विलेज में कोई वेडिंग होता है, तब यू नो किसको कोई पसंद आ जाता है, कोई जलवे दिखाता है, किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती है। बट यहाँ पे ये दोनों एक वेडिंग में मिले और बिल्कुल छोटे समय में दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सून दे गॉट मैरिड विद सम रिलक्टेंस फ्रॉम देयर फैमिलीज। कुछ अब देखो, बच्चों को तो पसंद आ गया बट पेरेंट्स को भी आना चाहिए। सो पेरेंट्स आर सम वॉट एडमेंट कि नहीं, बच्चों की चॉइस हमसे अच्छी कैसे हो सकती है, यू नो। सो मे बी दैट्स वॉट, और दे नो बेटर देन देयर चिल्ड्रन, सो दैट्स वाई थोड़ा रिलक्टेंस होता है। बट शादी हो जाती है उनकी। क्यों होता है रिलक्टेंस? क्योंकि संजय अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में होता है, अभी वो इस्टेब्लिश डॉक्टर नहीं रहते हैं, और मृदुला बहुत ही वेल्दी फैमिली से आती है, शी इज़ रिच ब्रो। सो उसके वजह से थोड़ा सा रिलक्टेंस आता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसी सोच है कि लड़का जो है वो स्टेबल होना चाहिए। लड़की भले ग्रेजुएट हो, कुछ काम करती हो ना करती हो, घर के काम करती हो, बस उतना काफ़ी है। ये कि गलत सोच है बट है हमारे समाज में, तो हमें इसको चेंज करना है। सेम यहाँ पे हुआ, वो वेल्दी फैमिली से थी, उसको मतलब ऐसे बोल रहे होंगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो महारानी बन के बैठना है, नौकरानियों को रखना है, बट उसके लिए पैसा लगता है और ही इज़ स्ट्रगलिंग राइट, तो कैसे होगा। बट स्टिल दे गॉट मैरिड, दैट्स ग्रेट, कुछ तो अच्छा हुआ। बट एज मृदुलाज फादर सीज पोटेंशियल इन संजय, दे एग्री फॉर द मैरिज। सो यहाँ पे मृदुला के पापा जी टिपिकल पापा जी जैसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देखा कि बंदा सही में अच्छा है, आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता है, ही हैज़ अ करियर, ही कैन डेवलप हिमसेल्फ, ही हैज़ दैट करेज, सो दैट्स वाई उन्होंने एग्री कर दिया मैरिज के लिए। चलो भाई, फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। सून आफ्टर मैरिज द हार्डशिप स्टार्ट विच मेक्स संजय रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट मनी इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अब शादी तो हो गई, लव बर्ड्स थे, वाओ
मैं तुमसे शादी करूँ? हाँ मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, माय गॉड सो रोमांटिक। बट अब संजय स्ट्रगलिंग है, ये मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बुक रीड करें आपको ये ध्यान में रखना है कि संजय अभी भी स्ट्रगलिंग है, वो अभी सक्सेसफुल डॉक्टर बने नहीं है। तो क्या होता है कि हार्डशिप्स होता है मनी के, यहाँ पे शी इज़ रिच राइट, सो उसको आदत होगी अपने हिसाब से खर्च करने की। बट संजय को लग रहा होता है कि यार मैं इसको इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। वाइल मृदुला फील्स येस मनी इज़ नीडेड बट नॉट इन अ लग्जूरियस वे, जस्ट फॉर बेयर नेसेसरी। जबकि मृदुला जो एकदम अमीर घराने से, उसे लगता है कि ठीक है पैसा है नहीं है आ जाएगा कल, बट मेरे लिए संजय रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जबकि संजय जो अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको पैसा दिख रहा है, उसको लगता है नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के क्लैश ऑफ क्लैन टाइप हो जाता है। बोथ हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन मनी, द रिच वन इज मोर अंडरस्टैंडिंग बट द पुअर वन और द स्ट्रगलिंग वन इज़ नॉट, सो दैट्स द डिफरेंस यहाँ पे। वाइल मृदुला फील्स येस मनी इज नीडेड बट नॉट दैट मच नो, दिस इज़ वेयर बोथ द पर्सन ग्रो अपार्ट विद इन द मैरिज। क्लैश ऑफ क्लैन होता है, दोनों के व्यूज़ अलग होते हैं, दोनों में झगड़े होते हैं और कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स एंड वॉट दे सेट एज प्रायोरिटी। अब हर एक पर्सन को एक प्रायोरिटी रहती है, किसी के लिए फैशनेबल कपड़े इज़ अ प्रायोरिटी, किसी के लिए जस्ट एक बेयर जो बेसिक नेसेसिटी वाले कपड़े होते हैं वो एक प्रायोरिटी होते हैं कि नहीं यार मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आई एम चिल। कुछ लोग इज़ लाइक क्या हो गया मैं तेरे भी पहन लूँगी, कुछ लोग इज़ हाँ मैं तेरे कैसे पहन सकती हूँ, तूने वो पहना है, नो नो आई वॉन्ट न्यू। तो ये मैंटेलिटी की वजह से क्लैश ऑफ क्लैन हो गया उन दोनों के बीच में, क्योंकि उनके प्रायोरिटीज़ अलग थी। बट सून फेयर गेट्स इन द वे टू शो देम द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट कुछ ऐसा होता है उनकी लाइफ में जिससे उनको पता चलता है कि रियल ट्रूथ क्या है, मनी इम्पॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप या फिर वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, ये उन्हें जल्द ही पता चलता है थैंक गॉड। और उनका ब्रेकअप नहीं होता है यहाँ पे गाइस, क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ है, डिवोर्स कर अगर वो लेते हैं तो काफ़ी बदनामी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं हुआ उनके साथ थैंक गॉड। उन्हें लाइफ ने दिखाया कि क्या इम्पॉर्टेंट है, और उस ये कैसे दिखाया और क्या हुआ एग्जैक्टली उसके लिए आपको प्लीज़ ये बुक पढ़ना होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हाउस ऑफ कार्ड्स बुक ज़रूर पढ़िए, ज़रूर परचेस कीजिए, बिल्कुल मिनिमल प्राइस है, आप परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं से भी। और आप परचेस करेंगे तो आप जब जैसे रीड करते जाएंगे उसमें खोते जाएंगे, मुझे लगता है। अकॉर्डिंग टू मी द राइटिंग बाय द ऑथर इज़ वेरी रियलिस्टिक थ्रू आउट द बुक। मुझे लगता है कि ऑथर ने जैसे ही उनके थॉट्स लिखे हैं वो बहुत ही रियल है, और जो हम रिलेट कर सकते हैं ना, हम देखते हैं आजू बाजू में ऐसी चीज़ें होती रहती है राइट, तो हम रियल है हमारे फ्रेंड्स और हमारे में भी कभी कभी क्लैश ऑफ क्लैन हो सकता है, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं। मेनी ऑफ द इंसिडेंट्स कैन बी रिलेटेड टू व्हाट वी सी इन आवर लाइफ और दोज हु सराउंड अस। द पेस ऑफ दिस बुक इज़ अ बिट स्लो एज द डिटेल्स ऑफ एवरी इंसिडेंट इज गिवन इन डिटेल। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में बताया वैसा नहीं है, काफ़ी डिटेल में ऑथर ने दिया है, तो आपको कभी कभी बोर होता हो सकता है कि यार कब तक, मतलब क्लाइमैक्स तक कब पहुँचेंगे, बट हैंग ऑन देयर, क्लाइमैक्स काफ़ी ब्यूटीफुल है। जो लेसन आपको इससे मिलेगा वो बहुत अच्छा है, और मैं तो कहूँगी दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए ये बुक। सो फॉर दोज हु आर फास्ट रीडर्स आई वुड सजेस्ट यू टू हैव पेशेंस वाइल रीडिंग द बुक। अभी मैंने जैसे बताया प्लीज़ पेशेंस रखिए, अदरवाइज ये बहुत अच्छी रीड है, काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है, काफ़ी पॉजिटिव फील होता है लाइफ में ये पढ़ने के बाद, और ऐसे लगता है कि रियल मीनिंग क्या है। मतलब हम सब जॉब करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, बट किस हद तक भागना है, पैसा इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, बेगर नहीं बन सकते हम, बट एक लिमिट होता है उसके लिए, तो ये बुक वो लिमिट्स आपको दिखाता है कि आप कौन से लिमिट तक जाओ और क्या इम्पोर्टेंट है एट द एंड, ये बुक आपको बताएगा। बहुत प्यारा बुक है, सुधा मूर्ति जी ने काफ़ी अच्छे और रिलेटेबल मैनर में रखा है, वो अपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो अपने थॉट्स काफ़ी रिलेटेबल वे में लिखती है, ताकि हम और आप जैसे नॉर्मल लोग इसे समझ पाए और बुक पढ़े और कुछ अच्छा सीखे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ रिव्यू, अगर आपको पसंद आया होगा गिव अ लाइक, गिव अ सब्सक्राइब, एंड आई एम ग्लैड दैट मेरे व्यूज़ भी थोड़े से बढ़े, मतलब
लोगों को रिलेट कर पा रहे लोग मेरे जो मैं रिव्यूज़ बना रही हूँ उसके साथ, और जो मैं मेरे थॉट्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिव्यू तो कोई भी बना ले बट अपने थॉट्स हर एक के अलग होते हैं. तो मेरा मेन मोटो यही है कि मेरे थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप कमेंट्स में आपके कीजिए. फिर अगर कभी मौका मिले तो हम लोग लाइव जाके एक दूसरे के साथ अपने बुक रिव्यूज़ शेयर करेंगे. और इसी के साथ आज का मैं ख़त्म करती हूँ. 10 मिनट से ऊपर हो चुका है आज भी, पता नहीं मेरे रिव्यूज़ इतने लंबे कैसे हो जाते हैं. मे बी मैं फ्लो हो जाती हूँ अपने थॉट्स में. सुधा मूर्ति जी की सारी बुक्स अच्छी है बट कुछ कुछ है जो मेरी फेवरेट्स है, जैसे मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स बताया, कैटल क्लास जो उसमें जो था, ये सब चीज़ें जो है ये सच में आपको एक लेसन देती है लाइफ में. तो ऐसे बुक्स रीड कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, और कभी भी डीमोटिवेट फील हो तो अफर्मेशन ज़रूर रीड कीजिएगा. इससे मुझे याद है मेरी जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरी बुक है रिव्यू, वो आपको काफ़ी पॉजिटिव और मोटिवेटेड करेगा. जैसे आपको मिराकल मॉर्निंग ने किया था उसी तरह यू कैन हील योर लाइफ करके है, लुईस एल हे की है वो, उसका नेक्स्ट रिव्यू है तो मिस मत कीजिएगा. जो बेल आइकन है उसमें आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता चलेगा. कोशिश करिए जल्द से जल्द आपको वो बुक शेयर करूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी प्यारे लेसन्स हैं. अब मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी. थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे. और कुछ भी शिकायत करनी हो या कुछ भी अच्छा बोलना हो तो मैं कमेंट्स में मिलूँगी, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आप बस रिप्लाई करके देखिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ.